हैं कि कुरान कहता है इंशा अल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराएगा, मुझे वो आयत बताइए, एक घंटा दे अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आयत बताइए। झूठे मुसलमान, लाख की बात करता है, सबको बनना ही है एक दिन, कुरान रिश्तों की बात करता है। अरे आप कुरान पढ़िए तर्जुमे के साथ कि हिंदू मुसलमान आखिर में कर कौन रहा है। जब अकबरुद्दीन ओवैसी वहां मंच पर खड़े होकर ये कहते हैं कि 800 साल पहले हमने जो है तुम पर राज किया, 800 साल तक हमने तुम पर राज किया, इसका क्या मतलब है? हमने कौन है, हमसे क्या मतलब है, और राज किस पर हुआ है, राज किसने किया है? आपने आज क्लियर कर दिया है कि और तुम हमसे कागज मांगोगे। अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं और तुम हमसे कागज मांगोगे, तुम मतलब कौन और ये हम मतलब कौन? मैं कहना चाहता हूँ, एक कागज देखना चाहता है। अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जाबाजी की है। जिन लोगों को नहीं पता है और बहुत भोले बन रहे हैं, उनको जरा ये समझ लेना चाहिए कि अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से अगर ये कहा जाए कि हमने तुम पर राज किया है, तो उस हम का मतलब समझ लीजिए कि 25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और हम बता देंगे हम कौन हैं। ये हम हैं मुसलमान वर्सेस तुम, तुम कौन, ये तमाम हिंदू जो इस वक्त हिंदुस्तान में। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अकबरुद्दीन ओवैसी जनता का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि तादाद में लोग उनको सुन रहे हैं, हालांकि सीरियसली कितना लेते हैं आई डोंट नो। बट मेरे प्यारे सिगलर, तुम्हें सीरियस लेना चाहिए, तो आप अपनी खैर मनाइए, हम आपकी लाश गिराने आ रहे हैं। अच्छा, लाश गिराने आ रहे हैं, कब, टाइम तो बताइए। अरे टाइम बताइए ना, कॉफी पीकर आ रहे हैं, अगर मैं टाइम आपको बताऊं तो आप थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे। आपने अपना जमीर गिरा दिया, आप क्या लाश गिराएंगे, आपने ईमान गिरा दिए, आप लाश गिराएंगे। सलमान सिख ईसाई बनाना है भारत देश की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये क्या है, जय श्री राम, इसमें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, इमाम हिंद है वो, जय श्री राम, क्या दिक्कत है। आपने जितनी आग लगानी थी आप लगा चुके हैं। मैं मानता हूं कि आप सी ग्रेड के कैरेक्टर हैं, आपको फिल्म्स नहीं मिल रही हैं। म्यूजिक क्यों करता, और पाव 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 किलो के और पाव भर के बॉम्ब से लड़ेंगे। ऐसे तो मंत्री आपने चुने हैं पीरजादा साहब, जो कह रहे हैं कि पाव पाव भर के हमारे पास बॉम्ब है, उससे लड़ते हैं जंग। उससे ये मानना है कि पैसे के लिए गरीबी हो, मुफलिसी हो, तंगी हो, भुखमरी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अल्लाह के नाम पर कुछ भी कर डालेंगे। ये लोग करते हैं, ये लोग इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर जाएंगे। दिस इज नो एक्सक्यूज अल्लाह हुआ पर। ये बैठ के मैं बोली, किसने मारा मुझे बताइए, अल्लाह हुआ पर, ये कहा मैंने अल्लाह हुआ पर, अभी बता दूं 130 करोड़ जनता सुन रही है, अल्लाह हू अकबर। मैं अभी भी क्लियर नहीं हो पाई हूँ, सुनिए ना मैम, मैम क्या होगा, मैं अभी भी क्लैरिटी मुझे नहीं मिल पाई, मैम सॉरी टू से, कमजोर बच्चों को ट्यूशन लेना पड़ता है, अलग से ट्यूशन लेना पड़ता है। नहीं नहीं, मैं तो प्रोफेसर के सामने बैठी हूँ,
वो तो मैं कमजोर किस लिहाज से? मैं आपको मैं माइनॉरिटी से बिलोंग रखती हूँ इसलिए कमजोर, मैं महिला हूँ इसलिए कमजोर। बताइए ना मुझे कमजोर किस चीज से, बताइए मुझे कमजोर किस चीज से? मैं बैक बेंचर जरूर हूँ लेकिन दिमाग बहुत तेज चलता है, आपकी एक एक शब्द को बहुत अच्छे से पकड़ती हूँ। अब मुझे ये बताइए, आपने कहा क्लैरिटी से नहीं, अब रुकिए, आपका स्टूडेंट बोल रहा है, सुनिए प्रोफेसर साहब और तरीके से सुनिए। लगातार बोले जा रहे हैं, दिख रहा है ऑपरेशन करे सेना, टारगेट लॉक करे सेना, बड़ा भू विमान है सेना, विंग कमांडर अभिनंदन। एक सेकंड सुनते चले जाइए, सुनते चले जाइए। ट्रेनिंग कैंप को, ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त करे सेना बीजेपी के नेता ने। तो फिर कितने आतंकी मरे, पेड़ गिरे या जंगल पर बम गिरा, ये सवाल किससे पूछ रहे हैं? सेना से ही पूछ रहे हैं ना? मजाक बना के रखा हुआ है आपने, मजाक बना कर रखा हुआ है। आपको फैन है हमारी, खुल के बोलिए ना कि आप मेरी फैन है। यू आर लाइक अ ब्रदर, यू आर लाइक अ ब्रदर।